हे गाइस, मैं हूं विशाल और द स्पिरिट्स क्लब में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रम प्रोड्यूसिंग रीजन और रम के डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं रम रीजन से। दोस्तों, रम तो कई कंट्री में और कई अलग स्टाइल्स में बनाई जाती है और हर कंट्री और रीजन में उसे बनाने का अपना तरीका और कानून भी होता है। तो शुरुआत करते हैं बारबाडोस रीजन से। यह आइलैंड लेजर एंटिल्स में स्थित है। ये लाइट, स्वीट और बोल्ड रम बनाता है। ये सही मायने में कैरिबियन रम है। इसे पॉट या पेटेंट दोनों में से किसी भी टैंक में या फिर दोनों का ब्लेंड यूज करके इसे बनाया जा सकता है और ओक बैरल में एज किया जाता है ताकि ये एक वेल बैलेंस्ड और फ्रूटी रम बन सके। दुनिया की सबसे पुरानी और पहली कमर्शियल रम मोंगे जो इसी रीजन में बनती है और कॉकसपर और रम बेस्ड कोकोनट फ्लेवर लिक्योर मालिबू, ये बारबाडोस के कुछ पॉपुलर ब्रांड में से है। हमारा दूसरा रीजन है क्यूबा, होम ऑफ कॉकटेल कल्चर। ये बहुत ही लाइट, फ्रेश, फ्लोरल स्टाइल रम बनाता है और इसे कंटीन्यूअस टैंक में बनाया जाता है। आइडियली इसे कॉकटेल मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि क्यूबा लिब्रा, मोहितो और डाइक्यूरी। तीसरा रीजन है हैती। इस आइलैंड के रम पॉट स्टील में डबल डिस्टिल किए जाते हैं और ओक बैरल में स्टोर किया जाता है जो उसे हेवी और फुल बॉडीड बनाता है। हमारा चौथा रीजन है ट्रिनिदाद। इस आइलैंड की खोज सफर के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने की और इसे ट्रिनिदाद नाम दिया। ये वेस्ट इंडीज में स्थित है। यहाँ रम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये ज्यादातर लाइट और गोल्ड रम बनाते हैं और आइडियली ये ब्लेंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसे कई फेमस ब्रांड में यूज किया जाता है। पांचवा रीजन है गुयानन। गुयानन रम्स कैरिबियन के सभी फुलेस्ट बॉडी रम से काफी फ्रूटी और रिच फ्लेवर की होती है। इसे पॉट और पेटेंट दोनों टैंक में इसे डिस्टिल किया जा सकता है। तो अगला है जमैका। ये हेवी, फुल फ्लेवर, फुल बॉडी रम बनाता है। आमतौर पर ये डबल डिस्टिल होती है और इसे एटलीस्ट 5 साल तक ओक कास्क में एज किया जाता है। 17वीं शताब्दी के प्रथा से मोलासेस को एक पंचिनियन नामक बड़े कास्क में नेचुरली फर्मेंट किया जाता है, जिसे वाइल्ड फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, जिस वजह से उसे एक अलग स्वाद मिलता है। नेक्स्ट है पुरिटो रिको। यहाँ बनने वाले रम लाइट बॉडीड होते हैं जिसमें हाई क्वालिटी मोलासेस यूज किया जाता है। इसे कंटिन्यूस टैंक में डिस्टिल किया जाता है और मिनिमम 1 साल तक व्हाइट ओक कास्क में एज करते हैं। ये रम मिक्सिंग के लिए परफेक्ट है, जैसा कि हमारा फेमस ब्रांड बकाडी। अगला है मार्टिनिक एंड ग्वाडालोप। ये कैरिबियन में स्थित आइलैंड है। यहाँ से रम को फ्रांस में ले जाया गया और वहीं पर इसे एज किया और फिर इसे फ्रेंच रम के रूप में बेचे जाने लगा। ये लगभग जमैकन रम की तरह ही पावरफुल होती है। अब हम जानेंगे स्टाइल्स ऑफ रम। तो फर्स्ट है व्हाइट रम। ये क्लियर रम होती है। आमतौर पर ये गोल्ड और डार्क रम की तुलना में ये लाइट बॉडीड और लाइट फ्लेवर होती है। इसे ज्यादातर कॉलम स्टील में डिस्टिल किया जाता है। इस प्रकार के रम का उपयोग अक्सर कॉकटेल बनाने के लिए किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बकाडी कार्टा ब्लांका, हवाना क्लब सिल्वर ड्राई। दूसरा गोल्ड। ये स्लाइटली स्वीट और मीडियम बॉडी रम है। जैसे जैसे रम समय के साथ वुडन बैरल में एज होता है, ये एम्बर और गोल्डन कलर की बनती है। कलर के लिए इसमें कैरेमल का भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के रम आमतौर पर क्लियर रम की तुलना में काफी फ्लेवरफुल होते हैं और इसे ऑन द रॉक्स, नीट या कॉकटेल रेसिपी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एपलटन वेक्स और माउंट गे एक्लिप्स। डार्क रम। नेक्स्ट है डार्क रम। ज्यादातर ये रम्स पॉट स्टील में बनती है और 4 बैरल में एज की जाती है। ये ट्रेडिशनल स्टाइल रम है और ये फुल बॉडीड एरोमेटिक होती है। इसमें आपको मोलासेस का हेवी नोट मिलेगा। कई बार इसमें कलर और फ्लेवर के लिए कैरामल ऐड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लैम्स नेवी रम और वुड्स 100। अगला है प्रीमियम एज। ये पुरानी और वेल मैच्योर्ड रम होती है जिन्हें अक्सर स्पेनिश क्षेत्रों में अनियो के रूप में लेबल किया जाता है। रम के ऊपर प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम का लेबल ये उनका एज स्टेटमेंट होता है। एज स्टेटमेंट में रम में सबसे कम उम्र के यूज हुए ब्लेंड को मेंशन किया रहता है
इन रम्स को कई सालों तक वुडन बैरल में एज किया जाता है, जिस वजह से ये रिच और स्मूथ बनती है और इसे एक अच्छा फ्लेवर भी मिलता है। अक्सर इसे कोनेक और सिंगल माल्ट की तरह नीट या ऑन द रॉक्स पिया जाता है, जैसे कि एपलटन एक्स्ट्रा और हवाना क्लब 15 ईयर्स ओल्ड। पांचवा है सिंगल कास्ट। ये काफी रेयर रम है। ये सिंगल डिस्टिलरी के भीतर इंडिविजुअल कास्ट में या फिर विंटेज ब्लेंड से बनती है, जैसे कि क्रिजन सिंगल बैरल। नेक्स्ट ओवरप्रूफ रम, रम का एक प्रकार जिसमें हाई अल्कोहल परसेंट होता है, उसे ओवरप्रूफ रम कहते हैं। मेनली ये कैटेगरी व्हाइट रम से भरी होती है। इसका अल्कोहल स्ट्रेंथ 57% से भी ज्यादा होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। यूजुअली इसे क्लासिक रम पंचेस में और लॉन्ग ड्रिंक में यूज किया जाता है। ये कैरेबियन आइलैंड में काफी लोकप्रिय है और वहाँ के लोग स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। और लास्टली है कशाशा। ये एक ब्राजीलियन शुगर केन स्पिरिट जिसे कशाशा नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के पॉपुलर शुगर केन स्पिरिट कैटेगरी में से एक है। ये स्पाइसी, स्वीट, फ्रूटी और क्लियर स्पिरिट है, जो फ्रेश शुगर केन जूस को फर्मेंट करके बनाई जाती है। इन्हें पिंगा और कैनिना के नाम से भी जाना जाता है। कानूनी तौर पर ये ब्राजील में ही बननी चाहिए और इसका अल्कोहल परसेंट 38-48 रहना चाहिए। ये ब्राजील की नेशनल ड्रिंक कैप्रीना कॉकटेल में यूज की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।